यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पंचकुला से इस वक्त, जहां पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का हल्ला बोल जारी है। ये बड़ी खबर पंचकुला से, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जुटे और साथ ही यहाँ सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने उन्हें बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया। सीएम आवास का घेराव करना था लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया। जब तक बातचीत नहीं होती सड़क पर डटे रहेंगे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ओर से, अब ये कहा जा रहा है। और साथ ही विभागों के लिए जाने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समान काम समान वेतन की मांग भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ओर से उठाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर पंचकुला से, जहां पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का हल्ला बोल जारी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे शशि अरोड़ा, हमारी संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। शशि, बैरिगेटिंग लगाकर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को रोका गया, क्या अभी भी वहां पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो है वो डटे हुए हैं? क्या बैरिगेटिंग तोड़कर आगे जाने का प्रयास वो करेंगे? अवंतिका, जिस तरीके से जो है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ने आज जो पहले से ऐलान कर रखा था कि सीएम आवास के घेराव के लिए लोग निकलेंगे और निकले हुए, लेकिन शांतिपूर्वक इनका धरना था बैरिगेटिंग लगाकर जो है बॉर्डर पंचकुला और चंडीगढ़ का था, वहां पर इनको रोक दिया गया। शांतिपूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद जो तहसीलदार ने पहुंचकर इनका जो ज्ञापन ले लिया और सरकार तक पहुंचाने की जो बात कही, उसके बाद ये चुपचाप जो शांतिपूर्वक धरना स्थल पर वापस लौट आए हैं। जी, वापस धरना स्थल पर जो है लौट आए हैं। शशि, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से अपनी आवाज उठाएंगे, क्या एक बार फिर से उनकी ओर से कोशिश की जाएगी आगे बढ़ने की? अवंतिका, जिस तरीके से आज जो तहसीलदार ने मौके पर पहुंचे इनका ज्ञापन लिया और सरकार तक पहुंचाने की बात कही, एक आश्वासन दिया है, तो अभी इनको जो विश्वास है सरकार के नुमाइंदों पर कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी, तो जाहिर सी बात है कि अभी ये सरकार का जो है, सरकार किस तरीके से इनके ऊपर एक्ट करती है या क्या प्रतिक्रिया देती है, उसका इंतजार जरूर करेंगे, उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। जी, इसी बीच हमारे साथ हवा सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, जो की अध्यक्ष है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के। स्वागत है आपका हवा सिंह खबरें अभी तक पर। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार हवा सिंह, अभी ज्ञापन लिया गया है, आगे क्या कुछ जो है कहा गया है आपसे, क्या बातचीत के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपकी मांगों को माना जाएगा? अभी तहसीलदार पंचकुला द्वारा हमारा ज्ञापन लिया गया और हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल को उपायुक्त महोदय पंचकुला से बात करवाई गई और कल 12:30 बजे का हमारा समय तय हुआ है माननीय आर के खुल्लर साहब से। जी, तो कल प्रदेश प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए जाएगा। जी हाँ जी। हवा सिंह, इससे पहले भी क्या बातचीत के लिए कोई प्रयास किया गया कंप्यूटर प्रोफेशनल से, बातचीत के लिए कोई आगे आया या फिर अभी जो है जो अभी बातचीत का न्योता आपको दिया जा रहा है? हमने पिछले 19 तारीख को भी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया था और तहसीलदार पंचकुला के माध्यम से ही हमारी बातचीत माननीय आर के खुल्लर जी से हुई थी और कुछ मांगों पर हमारी सहमति भी बनी थी और बातचीत सकारात्मक रही थी, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत अभी नहीं हो पाई। किन किन मांगों पर सहमति बन पाई थी? अभी तो ये तो निश्चित तौर पर कहना पूरी तरह से नहीं होगा। एक तो उन्होंने इस पे ये दिखाया था कि समान काम समान वेतन, और दूसरा ये कि जो करनाल में कंप्यूटर प्रोफेशनल पर लाठीचार्ज में जो मुकदमे दर्ज किए थे वे वापिस हो जाएंगे, इस पे केवल आश्वासन था, लिखित में अभी कोई सहमति नहीं बनी है। जी, लिखित में कोई सहमति नहीं बनी है। हाँ जी। हमारे साथ इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजय शर्मा जी खबरें अभी तक पर। धन्यवाद अवंतिका जी। संजय शर्मा जी, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो है प्रदेश में कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार की ओर से क्यों उनकी हड़ताल खत्म नहीं कराई जा रही है अभी तक? देखिए अवंतिका, कंप्यूटर टीचर्स की या कंप्यूटर जो लैब अटेंडेंट है, इनकी जो डिमांडें हैं उनको सरकार ने पहले भी कहा है कि जितनी हम मान सकते हैं उतनी आपकी मान रहे हैं। जी, जिन सेवा शर्तों के आधार पर ये लगे थे वो सेवा शर्तें के हिसाब से हमने बढ़ चढ़ कर इनको, इनकी बातचीत करने के बाद इनको दिया है। संजय शर्मा जी, कंप्यूटर टीचर से लैब अटेंडेंट से बातचीत हुई थी, अभी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं जो हड़ताल पर हैं, ई दिशा केंद्रों में जो तैनात हैं। हाँ, तो इनकी जो डिमांड है, होता क्या है अवंतिका कि हर जो कर्मचारी है वो पक्के होने का और अपने सेवा शर्तों से फालतू चीजों को मांगने की बातें करने लग जाता है, लेकिन उसमें भी जो जायज बातें हैं उसको सरकार हमेशा मानने के लिए तैयार है। कभी भी सरकार इस बात से मना नहीं करती, लेकिन जो ये बातें कह रहे हैं, जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं, वो कई बातें ऐसी होती है जो सरकार को नहीं मान सकती। जी।
सरकार नहीं जिनको सरकार बातें नहीं मानेगी, लेकिन राजस्व का नुकसान चाहे जितना होता रहे ये मंजूर है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, केवल ढिंगरा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हाँ जी, थैंक यू जी। केवल ढिंगरा जी, संजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार जिन मांगों को मान सकती है वो तो मांगेगी अभी, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इतने दिनों से हड़ताल पर हैं, 15 करोड़ के करीब का राजस्व का नुकसान जो है वो हो गया है, यानी राजस्व का नुकसान मंजूर है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बातें मानना मंजूर नहीं है। देखिए, ये सरकार कहने में कुछ करने में कुछ, ये सरकार काम करने में कुछ और नाकामयाबी के लिए कुछ। एक्चुअली ये सरकार ने 3.5 साल के अंदर प्रदेश का जो भट्ठा बिठाने का काम किया है वो कार्रवाई कर रहे हैं। बोलने में कुछ है, जब शुरू में बात करते थे इलेक्शन पे वोट मांगते थे तो सभी को बोलते थे एक एजुकेशन टीचर्स को एक लाइन के अंदर पक्का कर देंगे, आज वो सारी बातों को भूल गए, आज कोई काम करने को एजुकेशन के लिए तैयार नहीं, इतने लोग सड़कों के ऊपर है, सारा टाइम पंचकुला का जो अब सेक्टर 7 के बीच में धरने का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो हर रोज के लिए बुक हो गया लोगों के लिए, आज आंगनवाड़ी है, कल दूसरे है, कल एजुकेशन वाले हैं, परसों रोडवेज वाले हैं और अगले दिन किसान है, तो लेकिन ये सरकार जो है निकम्मी सरकार साबित हो रही है, ये कंप्यूटर टीचर्स के हक की बात करने की बजाय अब दूर भागने की बात करती है, तो कंप्यूटर टीचर तो सड़कों पे बैठेंगे। हाँ। और वो सड़कों पे बैठेंगे, ये लोग काम नहीं करना चाहते। केवल ढिंगरा जी, लेकिन जो 10 साल से कंप्यूटर टीचर्स लगे हुए हैं वही मांग कर रहे हैं नियमित करने की, यानी कि आपकी सरकार का कार्यकाल था उसी समय पर लगाया गया था इन्हें। अच्छी बात है ना, हमने लगाए थे, अब इन लोगों ने कहा था कि हम इनको ऑन गोइंग प्रोसेस में हम इनको सभी को पक्का कर देंगे, तो सरकार को करना चाहिए था, अब सरकार क्यों भाग रही है, क्यों नहीं पक्का करना चाहती जब वायदा किया था इन्होंने, अपने वायदे से मुकरते हैं ये लोग। संजय तो शर्मा जी, सरकार जो है लोगों की सरकार नहीं है, चुनाव से पहले वायदे तमाम किए जाते हैं, पहले ही कलम से पक्का करने का वायदा किया जाता है, लेकिन उसके बाद में सत्ता आने के बाद भूल जाते हैं आप। अवंतिका जी, ये जो सारा कुछ किया है नहीं केवल ढिंगरा जी की सरकार ने, तो 10 साल में जो भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ करके, भाई भतीजावाद करके और इनको झूठे आश्वासन देकर के जो भर्ती किया है उसी के तो कांटे हम सबको चुभने पड़ रहे हैं। नहीं, ये कांटे कब तक निकाल पाएंगे आप? कांटे कब तक निकाल पाएंगे आप? संजय शर्मा जी, कार्यकाल खत्म होने को है आपका, ये समझना होगा आपको। किसी भी कर्मचारी को, ऐसे किसी कर्मचारी को पक्का करने का वायदा हम, मैडम जी हमारी नियमित करने की मांग नहीं है, आप सुने, हमारी नियमित करने की मांग नहीं है जी। क्या मांगे हैं आपकी कंप्यूटर प्रोफेशनल? हमारी मांग है कि जो प्रदेश का जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, जो उपायुक्त कार्यालय में जो ई वीजा केंद्रों में लगा हुआ है, जो लाइसेंस पे, डोमिसाइल पे, रजिस्ट्रियों पे, जन्म प्रमाण पत्र पे, हम करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को देते हैं, लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जब करोड़ों रुपए राजस्व देते हैं उसके बावजूद भी जिला पलवल में 8 महीने हो गए कि कंप्यूटर प्रोफेशनल को आज तक वेतनमान नहीं मिला। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जो ये करोड़ों रुपए का राजस्व हम जिला वाइज दे रहे हैं उसका सेंट्रलाइजेशन हो और ये करोड़ों रुपए राजस्व विभाग में जाए और वहां से हमें वेतनमान मिले, इसमें गलत क्या है? जो ये करोड़ों रुपए हम जिला वाइज इकट्ठे करते हैं उपायुक्त के पास, संजय शर्मा जी वेतनमान भी नहीं मिल पा रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो लोग लगे हैं ये माध्यम से लगे हैं, कुछ कंपनियों के माध्यम से लगे हुए हैं। स्वागत है आपका त्रि साहब खबरें अभी तक पर, धन्यवाद। संजय शर्मा जी बात पूरी कीजिए अपनी, संजय शर्मा जी जी बात पूरी कीजिए अपनी। मैं ये कह रहा था कि ये जो कर्मचारी लगे हैं ये सरकार ने भर्ती किए हुए नहीं है, सरकार ने कुछ कंपनियों को, कुछ प्राइवेट लोगों को ठेका दिया। नहीं सर, हम सरकार के लगाए हुए लोग हैं, माननीय सुनिए आप, माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई थी, आईटी विभाग और एफसीआर द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि इस कॉन्फिगरेशन के ऑपरेटर लगेंगे और उसके बावजूद जिला उपायुक्त महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई थी जिसमें उपायुक्त और जिला राजस्व अधिकारी या एसडीएम या डीआईओ जो टेक्निकल होता है उसके द्वारा इंटरव्यू चेस्ट सारी चीजें हुई थी, तो ये हम स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि सरकार द्वारा लगे हुए। आप सुनिए 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 सुनिए, दिक्कत ये है कि जिन सेवा शर्तों के आधार पर ये लोग लगे थे, जैसे अभी सक्षम योजना है, सक्षम योजना में भी हम बेरोजगार नौजवानों को 9000 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट को और 6000 रुपए ग्रेजुएट को भत्ता दे रहे हैं, लेकिन वो उनको जो भत्ता दे रहे हैं वो उनके 100 घंटे के बदले में है। आज जो कर्मचारी लगता है वो लगने के 2 महीने 6 महीने बाद वो अपना उसको अधिकार समझता है। देखिए सरकार ने चाहे लगाए या नहीं लगाए, लेकिन अभी नुकसान किसका हो रहा है?
संजय शर्मा जी, अभी नुकसान किसका हो रहा है? राजस्व का नुकसान हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि जिन सेवा शर्तों के आधार पर इनको लगाया था उसमें फिर भी सरकार ने इनका वेतन बढ़ाया भी है, इनकी तनख्वाह को बढ़ाया भी है। क्या आपका वेतनमान बढ़ा है हवा सिंह जी? नहीं जी, अभी तक कोई वेतनमान नहीं बढ़ाया। पुराना नहीं दे पा रहे, आप बढ़ाने की बात करें प्रवीण अत्रे जी। अभी आठ महीने से तो वेतनमान है, पुराना ही नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दिक्कत ये है। संजय भाई जरा आप रुकिए थोड़ा सा, मुझे एक बात तो ये समझ नहीं आ रही। वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो मांग रहे हैं अपना वेतन, बजाय आप इस पे कोई बात करने के आप उनकी रिक्रूटमेंट शर्तों का जिक्र कर रहे हैं। आप आउटसोर्स पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मामला केवल ये है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, सरकार का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है प्रदेश के नागरिक होने के नाते, सरकार के डिपार्टमेंट के कर्मचारी होने के नाते, कि उनकी मांगों पे गौर करें। सबसे पहली चीज तो वो अपनी सैलरी मांग रहे हैं साहब, सैलरी के बिना काम कैसे करेंगे वो? बिल्कुल, सरकार को चाहिए तुरंत उनकी सैलरी रिलीज करवाए। मुझे समझ में नहीं आता कि कर्मचारी आपने अपॉइंट किया उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा, बजाय इस पे बात करने के प्रवक्ता महोदय क्यों बाजीगरी कर रहे हैं शब्दों की? सीधा सीधा मामला है, उनकी सैलरी रिलीज करवाई जाए और उनकी जो मांगे हैं उस पे गौर किया जाए और उनकी जो भी जायज मांगे उनको पूरा करो तुरंत। आपका उपदेश हो गया पूरा, तो मैं बोलूं बस ये आपने इसमें से ज्ञान ले लेना बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए, धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। लेकिन सरकार को पता है कि किसको तनख्वाह कब देनी है, किसको कब क्या पक्का करना नहीं करना। संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, इन दिनों में जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, करीब 15 करोड़ का नुकसान हो गया है, तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? 15 करोड़ नहीं, ये आंकड़ा कहाँ से आया 15 करोड़ के नुकसान? आंकड़ा फिर आप बताइए कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ई दिशा केंद्र जो है वो आपके ठप पड़े हैं। कुछ नहीं है, ई दिशा केंद्र आपके ठप पड़े हैं। जहाँ से लेते हो आप 15 करोड़ के, 15 करोड़ नहीं, आंकड़ा फिर आप बता दीजिए कितना नुकसान हो गया। कोई नुकसान वाली बात कोई नुकसान नहीं हुआ, ईर्ष्या केंद्र आपके बंद पड़े, कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल ढिगरा जी का पेंडिंग हो गया। हम सिर्फ देखते जब फरीदाबाद पेंडिंग हो गया, प्रेस के माध्यम से आया है 15 करोड़ केवल फरीदाबाद में राजस्व नुकसान है। सुन लीजिए हवा सिंह जी बता रहे जी, हवा सिंह जी प्रेस के माध्यम से आया, ये हम नहीं कह रहे, ये आप प्रेस मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि केवल 15 करोड़ का फरीदाबाद का नुकसान है। पूरे प्रदेश का आकलन करेंगे तो ये करोड़ों में जाएगा। अब अवंतिका, जब एक दिन अगर काम नहीं होता उस काम के कारण जो रेवेन्यू आ रहा था उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो काम तो होगा ना। अरे भाई, काम ऐसा थोड़ी है कि वो सरकार को कहीं से पैसा आना था और पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट बने थे वो डॉक्यूमेंट नहीं बने होगी, उसके कारण से वो पैसा नहीं आ रहा है। संजय जी सुन लीजिए, जब किसी की रजिस्ट्री नहीं होगी उसका रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन आता है वो नहीं आएगा सरकार को। संजय जी मैं कहेंगे उसको, सुनिए संजय जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं, इसको ना, इस विषय को इसको ऐसे मत घुमाइए, इस विषय को कहीं और लेकर नहीं जाइए। देखिए, हमें भी ध्यान है कि इन सब लोगों ने मिलना चाहिए, लेकिन ये सब जो किया धरा है पिछली सरकार के समय, जो आनंद फानंद में कुछ लोगों को अपने लोगों को एडजस्ट करके और उनको बंदी करने के कारण संजय शर्मा जी, सुनिए आप, ये पिछली सरकार का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। यहाँ पर वे लोग भी बैठे हैं जिनको 18-18 साल हो गए, या वे लोग भी बैठे हैं जिनको 10-10 साल हो गए, और वे लोग भी बैठे हैं जिसको 1 साल हो गया। आपकी सरकार में भी लगे हैं संजय जी, आपकी सरकार में भी लगे हैं। हमारी सरकार ने संजय शर्मा जी, एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर जरूर चाहूंगी कि जब भी कोई भी मुद्दा उठाते हैं हर बार के लिए कह दिया जाता है पिछली सरकार में ये हुआ था, हमारी सरकार में नहीं हुआ। क्या जो काम या जनता को जो सुविधाएं पिछली सरकार में दी गई इस बार उनके लिए मोहताज रखेंगे आप? यानी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है सरकार में होने के बाद की लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए? नहीं, समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार है और हम समस्याओं को दूर करेंगे। इन कर्मचारी नेताओं से भी मेरी यही प्रार्थना है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। और संजय जी, हमने बातचीत का रास्ता अपनाया था, निरंतर हम पिछले 15 दिनों से प्रतिदिन ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, हमने 2 तारीख से शुरू किया था। प्रवीण अत्रे जी, क्या लगता है आपको क्यों जो है हर बार यहाँ पर, क्योंकि कोई भी बात उठती है तो पिछली सरकार पर डाल दिया जाता है, लेकिन अपनी सरकार में काम का जो हुआ है उसके और क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है?
देखिए मानसिकता समझने की बात है, सरकार के पास ना नियत है ना नीति है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने अपने ओएसडी लगाए हुए हैं, प्रदेश के जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को उन ओएसडी की तनख्वाह बढ़ाने पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो एक कर्मचारी जो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं इनकी सैलरी नहीं दे सकते। यहाँ से पता लगता है सरकार की नीयत क्या है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे वेतन मान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई राजस्व का बोझ नहीं पड़ रहा, जो हम सर्विस चार्ज सरकार को कमा के देते हैं करोड़ों रूप में, जो जिलों पर ही रह जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस राजस्व को का सेंट्रलाइजेशन करे, उस राजस्व को राजस्व विभाग में शामिल करे, उससे हमें वेतन मान दे दे। देखिए अभी आपने समझ लिया कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी सैलरी की डिमांड के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि उनका हक बनता है, और दूसरी तरफ वो ओएसडीज है जिनको पिक एंड चूज करके बिना किसी पॉलिसी के अपॉइंट किया हुआ है, उनके लाखों रुपए वेतन बढ़ाने की मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी सोचे समझे कलम चला दी। तो यहाँ पे पता लगता है सोच में फर्क क्या है। वर्तमान सरकार इस वक्त इस प्रदेश का पैसा राजस्व रेवेन्यू भले बर्बाद हो जाए, सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को केवल चिंता है अपने चहेतों की, उनके सुख और सुविधाओं की, जो प्रदेश के लिए बहुत अहितकारी है। सरकार को चाहिए इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांगों पे गौर करे और तुरंत इनकी मांगों को माने, जिससे कि ये अपना काम सुचारू रूप से कर सके और प्रदेश के राजस्व को नुकसान न पहुंचे। संजय शर्मा जी, आपको वेतन मांग देना आपकी सरकार को मंजूर नहीं है कि वेतन मांग जो है वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को दिया जाए, लेकिन आपको ये मंजूर है कि सीएम विंडो जो है वो वहां पर कामकाज जो है बंद पड़ा, या वाहन रजिस्ट्रेशन की बात हो, लाइसेंस की बात हो, इसके साथ ही जमाबंदी, भू रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र, सभी जो चीजें आपने ऑनलाइन करने का प्रयास किया प्रदेश में, वो सब ठप पड़ी है आज आपकी सेवाएं? देखिए हम, मैं सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन सभी कर्मचारियों को ये निवेदन करूंगा कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। हम भी शंकर जी से अनुरोध करेंगे कि कल हमारी बातचीत है, और मेरा सरकार से आपके माध्यम से भी निवेदन है संजय जी कि कल 12 बजे हमें माननीय खुल्लर साहब जी ने बुलाया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आग्रह करें कि हमारे मांग पत्र पर सकारात्मक बात हो और हमारा पॉजिटिव हो। क्या है आपका शुभ नाम क्या है? आवासिंग तंवर है जी, मैं राज्य प्रधान हूँ। तंवर जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आपकी जो मीटिंग होगी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा और समस्याओं का आपके समाधान हो जाएगा। केवल हीरा जी, क्यों हर बार जब हड़ताल पर जो है तमाम वर्ग आता है उसके बाद ही यहाँ पर समाधान की बात कही जाती है, क्या लगता है आपको? देखिए मुख्यमंत्री जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बहुत लंबी लंबी हांक रहे थे, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, हमने ई प्रणाली शुरू की, हमने ई प्रणाली में ये काम कर दिया। जब ई प्रणाली लागू हुई, जब ई प्रणाली में काम कर दिया, तो जो लोग पुराने लगे हुए हैं उनको आप तनख्वाह तो देते नहीं, आप किस तरह के बड़ी बड़ी हांकते हैं कि हम ये कर देंगे। अब मैं तो मुख्यमंत्री के भाषण सुन के हैरान था कि वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि हमने ई प्रणाली के अंदर इतने टेक्निकल से काम कर दिए, अब सैलरी कम से कम स्वास्थ्य लग रहे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी आपने आश्वासन दिया है कि कल मांगे माने जाएंगे, वेतन मांग जो कि बहुत जरूरी है, अगर कोई भी काम कर रहा है तो वेतन मांग जो है वो कम से कम मिलेगा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का, जिसको लेकर वो आवाज उठा रहे। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, संजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी आपका खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि कल जो बातचीत होगी उसमें जरूर समाधान जो है वो निकाला जाएगा, वेतनमान जिसको लेकर आवाज उठाई जा रही है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ओर से, उस पर जरूर विचार किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पिछले एक सप्ताह से चल रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल से आमजन दुखी नजर आने लगा है, और हड़ताल का असर भी अब देखने को मिलना लग गया है। हड़ताल के कारण उपमंडल के सभी काम ठप हो गए हैं। बरवाला उपमंडल में काम से पहुंचे लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को जल्दी से ऑपरेटरों समस्या का समाधान करना चाहिए। लोगों ने बताया कि वो पिछले 2-3 दिन से अपने काम के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एसडीएम बरवाला के रीडर राजेश कुमार ने बताया कि एसडीएम उपायुक्त हिसार की मीटिंग में बातचीत के लिए गए हुए हैं, और जो कर्मचारी कार्यालय में मौजूद हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ ऑपरेटर बंद है, काम एक हफ्ता से चक्कर लगा रहे थे, सरकार इसके लिए कोई समाधान नहीं कर रही है। बार बार बहुत से लोग आए हैं, गए हैं, आज भी मेरे सामने गए हैं, और सरकार इस बारे में कुछ विचार नहीं कर रही, ना नए भर्ती हैं ना पुराने हैं कोई। ऑपरेटर की वजह से सारा काम रुका हुआ है दफ्तर का, बाकी स्टाफ सारा काम कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, और लेकिन ऑपरेटर की वजह से दिशा सारी बंद है,
और जिसके कारण सारे रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस का ये है, ये सारे कार्य बंद पड़े हैं। बाकी स्टाफ रेगुलर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम चला रहे हैं सारे दफ्तर का। पब्लिक का काम तो व्यवधान हो रही है जी। कब तक समाधान होने की कोई संभावना है? ये तो हाई लेवल की बात है जी, पंचकुला बैठे हुए हैं, बता रहे हैं धरने में, सरकार जो डिसीजन लेगी उसके बाद ही निर्णय होगा जी। और जमीश, अनूप कुंडू हमारे संवाददाता उकलाना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, दी दिशा केंद्र बंद पड़ा है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते कितना प्रभावित जो है उकलाना के लोग नजर आ रहे हैं इसके कारण? बिल्कुल अवंतिका जी, बताना चाहूंगा कि उकलाना बरवाला के साथ साथ पूरा हिसार का जो क्षेत्र है वो इस चीज से प्रभावित है कि उकलाना और बरवाला हिसार में जितने भी दिशा केंद्र के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए थे उन्होंने इस सामूहिक रूप से हड़ताल कर दी है। जो पंचकुला के अंदर धरने पर बैठे हुए इसको लेकर के आमजन को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने काम करवाने के लिए घंटों लाइन में वहां खड़े रहते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि ऑपरेटर आज हड़ताल पर है। ऐसा करते हुए पिछले सोमवार से आज तक 7 दिन हो चुके हैं, लेकर के अभी तक कोई समाधान सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से नहीं किया गया है जी। अनुकुंडू, साथ ही क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो वापस लौटने वाले नहीं है, तो ऐसे में काम किस तरह से चलेगा, यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? अवंतिका जी, जो अभी प्रशासन से बात हुई है वो कह रहे हैं कि हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है, सरकार भी इसको अपने ध्यान में लिए हुए है, लेकिन जब तक ऑपरेटर वो काम पर वापस नहीं लौटते तो कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी प्रकार का काम सुचारू रूप से चल पाएगा। तब तक जनता को इस परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा जी। लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? लोगों का तो यही कहना है कि उन्हें सरकार मांगे माने या ना माने, लेकिन उनका काम होना चाहिए। सरकार क्या है कि सरकार उनको लगाने से पहले अच्छी तरह से अपने मापदंडों को खड़ा कर ले, लेकिन इस प्रकार की बार बार हड़ताल होने से धरना प्रदर्शन से लोगों को जो परेशानी हो रही है उसमें जनता का क्या कसूर है, सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए जी। लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी जो है दिशा केंद्र के बंद होने से हो रही है, क्योंकि ज्यादातर सेवाएं जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन अनूप, जो कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हड़ताल पर है, तो ऐसे में अगर राजस्व के नुकसान की बात करें तो उकलाना में कितना नुकसान जो है उसका आकलन किया जा रहा है अब तक? अगर हम उकलाना और बरवाला उपमंडल की बात करें तो प्रत्येक पर जो राजस्व का घाटा है वो काफी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि हर रोज जो लाइसेंस बनवाने वाले हैं या रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रोज काम के लिए आते हैं, तो एक भारी घाटा हम इसको देख सकते हैं कि भारी घाटा सरकार को हो रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप कुंडू तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार को नुकसान हो रहा है, राजस्व को घाटा हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर सेवाएं जो हैं, सुविधाएं जो हैं, वो ऑनलाइन कर दी गई हैं और ई दिशा केंद्र इसी के लिए बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अब चूंकि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हड़ताल पर हैं तो लोगों की परेशानियां भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।